हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 ब्रिज कोर्स की हिस्ट्री की टेस्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आते हैं हमारी टेस्ट पर। तो हमारी टेस्ट कुछ इस प्रकार है हिस्ट्री की। ये हिस्ट्री की दूसरे नंबर की टेस्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित कथन के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को वर्णमाला के बॉक्स में लिखिए। मतलब हमें इसमें से सही विकल्प चुन के राइट साइड में जो बॉक्स है वहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब यहाँ पे पूछा गया कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर होमी सेठना, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब डॉक्टर राजा रामन्ना, क डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ड डॉक्टर होमी भाभा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों में शामिल नहीं है? रोजगार का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी बच्चों का अधिकार और डी समान काम के लिए समान वेतन। और थर्ड है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार के प्रयास इस प्रधानमंत्री ने किए। तो कौन से प्रधानमंत्री ने किए ये यहाँ हमें बताना है। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन है। पहला है पंडित नेहरू, ब है लाल बहादुर शास्त्री, क है इंदिरा गांधी और ड है राजीव गांधी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी यहाँ पे है, अगले समूह में गलत जोड़ी की पहचान। तो पहला है क डॉक्टर होमी भाभा ने परमाणु परीक्षण किया था, व राजा रामन्ना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक, क डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल का उत्पादन शुरू किया और ड डॉक्टर होमी सेठना परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। और इसी में ही अगले समूह में से गलत जोड़ी पहचान करें, इसका ही सेकेंड है महात्मा फुले गर्ल्स फर्स्ट स्कूल, बी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौदार कथा सत्याग्रह, सी नारायण मेघाजी लोखंडे व्यापार मंच और डी मेघा पाटकर हुंडा प्रथा का उन्मूलन। और आगे है प्रश्न क्रमांक 2, निर्देशों का पालन करें। तो इसमें फर्स्ट है अवधारणा चित्र को पूरा करें। तो यहाँ पे हमें दैनिक समाचार पत्र के नाम लिखने हैं, चार नाम यहाँ पे लिखने हैं हमें। और सेकेंड है इसमें संकल्पना चित्र पूरा करो। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सामाजिक समानता बनाने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार। तो यहाँ पे हमें 5 कॉलम दिए गए, तो हमें यहाँ पे 5 अलग अलग अधिकारों के नाम लिखने हैं जो सामाजिक समानता बनाने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें 2-3 पहले से दिए हैं। तो लेफ्ट साइड के बॉक्स में है समानता का अधिकार, सेकेंड नंबर का बॉक्स ब्लैंक है, थर्ड नंबर का बॉक्स में है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, फोर्थ नंबर का बॉक्स भी ब्लैंक है और फिफ्थ नंबर के बॉक्स में संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये फ़ोटो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं आया। तो कोई बात नहीं, जान दीजिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगले प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में दे। कोई दो, एक मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान लिखिए। तो यहाँ पे हमें मोबाइल के कुछ फ़ायदे और नुकसान लिख के बताने हैं। और सेकंड है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कारक कौन से हैं? और थर्ड क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारणों और उपचारों की व्याख्या करें। तो ऐसे हमारे सेकंड पेज पे क्वेश्चन है। अब आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों का औचित्य स्पष्ट कीजिए। मतलब निम्नलिखित कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला है, मीडिया को सामाजिक ज्ञान के माध्यम के रूप में जाना जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन मानव सुरक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट, इसमें निम्नलिखित कथन के लिए विकल्प चुनकर बॉक्स में लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट का आंसर है ड डॉक्टर होमी भाभा, और सेकेंड का आंसर है ब सूचना का अधिकार, थर्ड का आंसर है ड राजीव गांधी। और अब क्वेश्चन नंबर 1 बी में आते हैं, अगले समूह में से गलत जोड़ी पहचाननी है।
तो फर्स्ट का आंसर है डॉक्टर होमी सेठना, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। आगे का क्वेश्चन का आंसर है मेघा पाटकर, हुंडा प्रथा का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निर्देशनों का पालन कीजिए, अवधारणा चित्र को पूरा करें। तो यहाँ में दैनिक समाचार पत्र के हमें चार नाम लिखने, तो फर्स्ट है मराठा, सेकंड केसरी, थर्ड लोकसत्ता और फोर्थ लोकमत। आगे का क्वेश्चन है संकल्पना चित्र पूर्ण करो। तो यहाँ पे हमें सामाजिक समानता बनाने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार, तो यहाँ पे हमें तीन पहले से दिए थे और दो हमें लिखने हैं, तो वो दो हो गए स्वातंत्र का अधिकार और पहुँच का अधिकार। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री में अगले प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दें। यहाँ पे हमें कोई दो लिखने हैं, तो फर्स्ट है मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान लिखिए। तो इसका उत्तर है मोबाइल के फ़ायदे, कहीं भी कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, मोबाइल मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। थर्ड, मोबाइल द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे मोबाइल के नुकसान, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से सिरदर्द, थकान, बेचैनी और नींद में अनियमितता होती है। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और सेकंड है आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कारक कौन से हैं। तो इसका उत्तर है अंतर्गत सुरक्षा को चुनौती देने वाले कारक निम्नलिखित है। फर्स्ट, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना। सेकंड, दो राष्ट्रों के बीच सीमा संबंध विवाद। दो राष्ट्रों का पानी को लेकर संघर्ष। फोर्थ, परस्पर विरोधी हित। फिफ्थ, राष्ट्र की प्रभुत्वता को चुनौती देना। और आगे देखते हैं, आगे हैं जल प्रदूषण के कारणों और उपचारों की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर जल प्रदूषण के कारण पहले, तो फर्स्ट है उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। सेकंड, जलकुंभी की वृद्धि। थर्ड, निवास व उद्योग क्षेत्रों का खराब पानी। फोर्थ, खनिज तेलों का रिसाव। और आगे जल प्रदूषण का पर उपाय, इसी क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है कुआं तालाबों में कचरा न करें। सेकंड, प्लास्टिक या मूर्तियां नदी में न डालें। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में है निम्नलिखित कथनों का औचित्य स्पष्ट कीजिए, मतलब कारण से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मीडिया को सामाजिक न्याय के माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है फर्स्ट पॉइंट, कोई जानकारी या सूचना हम किसी माध्यम से दूर पहुँचा सकते हैं उसी मीडिया कहते हैं। सेकंड पॉइंट है अंग्रेजों के समय में समाचार पत्रों द्वारा समाचार हर जगह पहुंचाने लगे। थर्ड पॉइंट, समाचार पत्र सूचना और न्याय के प्रसार का साधन है। फोर्थ पॉइंट, फिर से समाचार पत्र समाज प्रबोधन का कार्य करने लगे हैं, इसलिए मीडिया को न्याय के माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये टेस्ट ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।